हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एनर्जी और पावर के फॉर्मूले देखे थे। इस वीडियो से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला कैलकुलेट एवरेज पावर ऑफ द ट्रायंगुलर वेव। ये एक ट्रायंगुलर वेव है, इसकी क्या करना है, पावर फाइंड करनी है। तो पावर फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, उसका उसका टी वन टी टू चाहिए। देखिए, वेव कहाँ से जाके कहाँ पर रिपीट कर रही है। यहाँ पर देखो, ये जो इसका पॉइंट है, फिर यहाँ जाके हमें दोबारा से मिल रहा है। तो जब भी पता लगाना हो उसका पीरियड कितना है, तो एक पॉइंट पकड़ लो, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट वही ऐसा ही पॉइंट कहाँ जाके हमें मिल रहा है। तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट ऐसा अपर जाके अपर में यहाँ जाके मिल रहा है। फिर तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, इसका टी वन ये है, टी टू ये है। तो टी वन टी टू माइनस टी वन कितना आ जाएगा, ये हमारा टी वन हो गया, ये टी वन, इसको टी वन कहो, इसको टी टू, ठीक है। तो टी टू माइनस टी वन कितना आ जाएगा, जीरो पॉइंट वन माइनस माइनस जीरो पॉइंट वन, कितना आ गया ये, जीरो पॉइंट टू। तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इंटीग्रेशन टी वन टी टू एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी टी। ये होता है हमारे पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो टी वन टी टू आ चुकी है, हमें एक्स टी की वैल्यू चाहिए। एक्स टी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से एक्स टी की वैल्यू कैसे लिखेंगे। एक्स टी की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इक्वेशन ऑफ दो पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब एक्स टी को मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस जीरो पॉइंट वन एंड वन, ठीक है। इस वाले पॉइंट के कितने होंगे, जीरो जीरो कोमा माइनस वन। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, माइनस जीरो पॉइंट वन लाइन, यहाँ पे लिखो लाइन पासिंग थ्रू कितने, माइनस जीरो पॉइंट वन कोमा वन टू जीरो कोमा माइनस वन। क्या होती है लाइन पास होने वाली, अगर ये इसके को इसको मैं एक्स वन कहूँ, इसको वाई वन कहूँ, इसको एक्स टू कहूँ, इसको वाई टू कहूँ, क्या होगी लाइन, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है लाइन की एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए हमारा, मैं एक बार ध्यान दिला दूँ, एक्स मेरा यहाँ पर टी है और वाई मेरा क्या है, एक्स एक्स टी है, ठीक है। ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए बाद मैं x को t से रिप्लेस कर दूंगा और y को x ऑफ t से। तो लगाओ इसकी वैल्यू बस, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन कितना जाएगा, ये वन हो जाएगा, y टू कितना, माइनस वन माइनस वन, एक्स टू जीरो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, x माइनस एक्स वन यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, वाई माइनस वाई वन, ये हो गया, ये हो जाएगा 0.1, ये हो गया कितना, माइनस टू। तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस 0.1, तो वाई कस टू कितना आ गया, ये माइनस ट्वेंटी एक्स, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की हो गया माइनस टू और इस प्लस वन को उधर ले गया, ठीक है। तो वाई कस टू कितना आ गया, माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस वन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ। फिर अब देखो मैंने यहाँ इस वाली इक्वेशन की लाइन फाइंड की है, इस वाले की आप फाइंड करना इसी फॉर्मूले से, ठीक है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.1 एंड 1। तो मैं मुझे पता है इसकी इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे मुझे प्रॉपर्टी पता, केवल काय का चेंज है, स्लोप चेंज होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे आ रही थी ऐसी चली आएगी। तो मैं यहाँ पे देखो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, वाई को मैं रिप्लेस किया किससे, एक्स टी से। तो एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, टी से। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो गई, माइनस ट्वेंटी टी माइनस वन। कहाँ से कहाँ तक टी वेरी कर रहा है, यहाँ पे टी यहाँ से 0.1 से लेके 0 तक, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, 20 टी माइनस वन, टी माइनस टी से रिप्लेस हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन की जब लाइन पास करोगे तो फाइंड करोगे, इसकी ये खुद आपको फाइंड करनी है, मैंने इसकी फाइंड कर दी है, इसकी भी ऐसी निकालनी है, मैंने पॉइंट बता दिए हैं, ऐसे ही फाइंड कर लेना। ये आएगी, ये कहाँ से लेकर, जीरो जीरो से लेके टी कहाँ से वेरी कर रहा, कहाँ तक, 0.1 तक, ठीक है। तो हमारे पास एक्स टी आ चुका, अब क्या करेंगे, इसका पावर फाइंड करेंगे। करो बस पावर फाइंड करो। नेक्स्ट क्या
क्या होगा पावर का फॉर्मूला, पावर के फॉर्मूले में लगाओ, पावर कितनी हो जाएगी, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, जो कि कितना आया था 0.2, ठीक है, और कितना माइनस 0.1 से लेकर 0.1 तक उसका पीरियड था एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है डी टी। तो मैं इसको दो पार्ट में, मेरा सिग्नल है तो दो पार्ट में कर ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक फैला, पहला 0.1 से लेके 0 तक एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, प्लस नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक है 0.0 से लेके, कहाँ से लेके यहाँ पे देखो 0 से लेकर 0.1 तक एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है, इसमें उस वैल्यू लगा दो और कुछ नहीं करना, बस इसको फाइंड कर दो 0.2 माइनस 0.1 जीरो, ये एक्स ऑफ टी का कितना हो जाएगा माइनस 20 टी माइनस 1 का मोड का स्क्वायर डी टी, प्लस 0 से 0.1 कितना हो जाएगा 20 टी माइनस 1 का स्क्वायर डी टी, ठीक है, इसका मोड लो और स्क्वायर खोल दो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 टी माइनस 0.1 से 0 तक, तो इसका माइनस कॉमन लूंगा ये कितना बचेगा 20 टी प्लस 1, तो 20 टी प्लस 1 को का स्क्वायर खोल रहा हूँ कितना हो जाएगा 400 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 40 टी डी टी प्लस 0, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 0.1 तक, इसको इसका खोलो कितना हो जाएगा 400 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 40 टी डी टी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो बस 0.2 कितना हो जाएगा ये 400 टी का क्यूब अपॉन टी, 1 का हो जाएगा टी और ये हो जाएगा 20 टी स्क्वायर, ठीक है, इसकी लिमिट लगा दो यहाँ पे कितनी हो जाएगी माइनस 0.1 से लेकर 0 तक प्लस 400 टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस टी माइनस 20 टी स्क्वायर, ठीक है, इसकी भी लिमिट लगा दो यहाँ पे ऐसे ही 0 कहाँ से 0 से लेकर 0.1 तक, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0.2 टी, पहले 0 लगाया देखिए 0 लगाऊंगा 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर देन माइनस, यहाँ पे माइनस लगाओ कितना आएगा माइनस 0.1 रखा तो कितना बचेगा 400 अपॉन 3 और यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो माइनस बचेगा ही और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1000, ठीक है, यानी 0.1 का क्यूब वो कितना होगा 1 अपॉन 1000, यहाँ पे लगाया ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 100, बस लिमिट लगाइए और कुछ नहीं, मैंने 0.1 लगाओ यहाँ पे ऐसे ही 400 अपॉन 3 1 अपॉन 1000 आ जाएगा, 1 अपॉन 10 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 अपॉन 100, ठीक है, एक सेकेंड मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, देखिए नेक्स्ट पी कस्ट कितना आ गया 1 अपॉन 0.2, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, ये दो जीरो कैंसिल कितना हो चाहिए 4 अपॉन 30, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 और ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन, यहाँ माइनस हो जाएगा ये यहाँ माइनस है तो 1 अपॉन 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 4 अपॉन 30, यहाँ पे 1 अपॉन 10 और ये 1 अपॉन 5, तो पी कस टू कितना आ गया 1 अपॉन 0.2 टी, देखो ये 4 प्लस 4 8 अपॉन 30 हो गया, ये 1 प्लस ये 2 बाई 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 बाय 5, पी कस टू कितना आ गया 0.2, ये बचा 4 बाय 15, ये कितना बचेगा 1 अपॉन 5 माइनस 2 बाय 5, पी कस टू कितना आ गया 0.2 4 अपॉन 15, ये कितना बचेगा माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, तो पी कस टू कितना आ गया 0.2 15, इसका एलसीएम आया ये बचा 4 माइनस 3, पी कस टू कितना आ गया 0.2 की 15 से की आया 3 इंटू 1, तो पी कस टू कितना आ गया 1 बाय 3 वॉट, ठीक है, इस पावर के जो इसका सिग्नल था उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 बाय 3 वॉट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से,
यहाँ पे देखो ये सिग्नल मैंने कहा पीक से पीक मिलानी है, मैंने मान ली ये यहाँ पे ये पकड़ लिया, ठीक है कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, फिर ऐसा ही जाके कहाँ पे मिल रहा है मुझे, मैं यूं ही बढ़ता जाऊँगा यहाँ पे, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो टी वन कितना आ गया, माइनस वन, टी टू आ गया वन, ठीक है। तो टी टू माइनस टी वन कितना आ जाएगा, वन माइनस माइनस वन यानी टू, ठीक है। और इसकी ये क्या पास हो रही है इक्वेशन, इसकी पॉइंट क्या आ गए यहाँ पे, ये आया माइनस वन कोमा माइनस वन, और ये क्या आया वन कोमा वन। तो इस इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, कौन सा पॉइंट है, माइनस वन कोमा माइनस वन एंड वन कोमा वन, इसको मैं मानता हूँ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो इक्वेशन के लाइन क्या, इक्वेशन क्या होता है, वाई माइनस वाई वन जैसे पीछे लिखा था, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया टू से टू कैंसिल, यहाँ वन से वन कैंसिल, तो वाई को एक्स टू क्या आ गया एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए बस केवल एक ही लाइन है, यानी एक्स टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टी आ गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, माइनस वन से लेके वन के बीच में, ठीक है। तो इसकी पावर फाइंड करनी है हमें, पावर क्या हो जाएगी इसकी, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, टी वन टी टू एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी टी, टी टू माइनस टी वन आया हमारा वन बाई टू, माइनस वन से वन, एक्स टी का स्क्वायर यानी इसका किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है, वन बाई टू। ये क्या इवन सिग्नल, इवन सिग्नल तो टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इसको क्या लिख लूंगा मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, टू से टू कैंसिल हो गया, पी कस टू कितना आ गया, टी स्क्वायर का क्या था मैंने, टी का क्यू अपन थ्री, जीरो से वन, इसकी लिमिट लगाऊंगा क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री वॉट, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, वन बाय थ्री वॉट आ जाएगी। इस टाइप से करना था, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से फाइंड करना, मैंने कहा आप कैसे उसका पीरियड फाइंड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।